तो कल मेरे दोस्त ने ना मुझे ये पेन ड्राइव दिया और बोला कि इस पेन ड्राइव में ना दो घंटे का वीडियो है और उस वीडियो को मुझे टाइप करना है अब प्रॉब्लम तो ये है कि ना तो मुझे हिंदी टाइपिंग आती है ना मुझे इंग्लिश टाइपिंग आती है तो मैं इसे कैसे टाइप करूँ वो भी वीडियो को देख देख के तो मैंने बोला कि इसका बहुत ही गज़ब का सोल्यूशन है आप किसी भी वीडियो के अंदर से जो बोला गया हो उसे बिना टाइपिंग सीखे भी टाइप कर सकते हो ये ये कैसे हो सकता है क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम अपने कंप्यूटर में या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे हैं कोई भी लेक्चर देख रहे हैं और वो लेक्चर वीडियो चलने के साथ साथ टाइप भी होता जाए अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं और चाहते हैं कि भाई वो जो सर बता रहे हैं उसके नोट्स भी तैयार होते जाएं। बहुत लोग ऑफिस में मीटिंग लेते हैं उनके जो बॉस डिक्टेशन देते हैं वो चाहते हैं कि डिक्टेशन को रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद उसको टाइप करें सो तो ये जो सारी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ चुटकियों में आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे नमस्कार मैं भूनी भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और इस चैनल पे मैं इसी तरह के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आता रहता हूं तो अगर आपको भी इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है आपको भी रोजमर्रा में बहुत सारी परेशानियां होती हैं तो यहां पे नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा के बेलाइकन प्रेस कर दो जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट टेली कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स ठे सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं जाके बटोर लो बहुत सारा ज्ञान पढ़ा है तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं तो जैसा कि आप मेरे मेरे सिस्टम सिस्टम पे पे देख रहे हो कि मेरे सिस्टम पे एक ये ये माइक माइक है और ये से मैं अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करता आपको अब अगर मैं इस माइक का यूज करूंगा तो मैं अपने वीडियोज को टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा उसकी वजह यह है कि ये जो माइक है ये एक्सटर्नल वॉइस को ही रिकॉर्ड करेगा स्पीकर से आने वाली वॉइस को ये प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा सो so, अगर मुझे किसी वीडियो फाइल को या यूट्यूब वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इस माइक को हटाना होगा या तो डिसेबल करना होगा क्योंकि लैपटॉप में भी माइक होता है और कंप्यूटर में भी माइक होता है कंप्यूटर के माइक को तो सिंपल सा आप उसकी केबल निकाल दीजिए वो डिसेबल हो जाएगा लेकिन लैपटॉप के माइक को तो प्रॉपर आपको कंट्रोल पैनल से जाकर डिसेबल करना होगा और एक सेटिंग को और आपको अनेबल करना होगा चलिए जल्दी से अपने कंप्यूटर के अंदर आपको बता देता हूँ कि करना क्या है और बहुत ही सरल तरीके से कैसे आप किसी भी वीडियो के अंदर से टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करना है सो so यहाँ पे आपको टाइप करना है कंट्रोल पैनल ये यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा कंट्रोल पैनल को ओपन कर लीजिए यहाँ पे हो सकता है आपको जो आइकन्स हैं वो इस तरह के दिखाई ना दें तो व्यू बाई पे जाके आपको अगर स्मॉल आइकन दिख रहे हैं तो इस पर आपको लार्ज पे क्लिक कर लेना है और अगर इस तरह का व्यू आ रहा है तो यहाँ से कैटेगरी पे जाके लार्ज आइकन पे क्लिक कर लेना है अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑडियो का ऑडियो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की तो ये जो पहला टैब है ये है प्लेबैक का जिसमें आपके स्पीकर्स को दिखाता है कि भाई आपके जो साउंड का आउटपुट आएगा वो कहाँ कहाँ से आएगा सो so, स्पीकर्स को दिखा रहा है तो ये हमें चाहिए नहीं हमें चाहिए रिकॉर्डिंग सो रिकॉर्डिंग वाले टैब पर जब हम जाएंगे तो आपको यहाँ पर माइक्रोफोन दिखाई देगा लाइन इन का ऑप्शन मिलेगा और स्टूडियो मिक्स का ऑप्शन मिलेगा अभी फ़िलहाल में ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये तो प्लग इन है नहीं जो लाइन इन है हमारे मदरबोर्ड में ऑप्शन है लेकिन हमने प्लग इन नहीं कर रखा है और स्टूडियो मिक्स जो है वो अभी डिसेबल है हो सकता है ये ऑप्शन आपको यहाँ पे ना दिखें क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये दोनों टिक हटा दूंगा तो यहाँ पे इसके अलावा आपको और कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा सो so, इस पर आपको राइट क्लिक करके अगर वो नहीं दिख रहा है स्टीरियो मिक्स तो शो डिसेबल डिवाइस पे क्लिक करना है और अगर डिसकनेक्टेड डिवाइस पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे अभी हमको क्या करना है अभी हमको स्टीरियो मिक्स को अनेबल करना है सो so, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर अनेबल का ऑप्शन आएगा इसको आप टिक करेंगे और ये यहाँ से एनेबल हो जाएगा एंड माइक्रोफोन को हम यहाँ से कर देते हैं डिसेबल ताकि हमारे जो बाहर की आवाज़ है वो उसको वो कैप्चर ना करे देखो इस चीज़ को करने में आपको एक ध्यान में रखना है कि जब आप किसी भी वीडियो से साउंड को रिकॉर्ड कर लो आपका काम पूरा हो जाए तो दोबारा से रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में आके यहाँ से माइक्रोफोन को आपको अनेबल करना पड़ेगा नहीं तो वो आपके माइक्रोफोन की साउंड को रिकॉर्ड नहीं करेगा सिस्टम है बिल्कुल सिस्टम की तरह काम करेगा तो माइक्रोफोन को यहाँ से डिसेबल करना है और स्टीरियो मिक्स को यहाँ से अनेबल करना है चलिए अब इसे ओके okay कर देते हैं एंड इसको बंद करते हैं इसके बाद सिंपल क्या करना है आपको यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पे डी ओ सी डॉट न्यू टाइप करना है तो डी ओ सी डॉट न्यू एक शॉर्टकट है गूगल डॉक को खोलने का तो यहाँ पे गूगल डॉक ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पे जाना है आपको टूल्स के ऑप्शन पे और यहाँ पे नीचे आपको वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन आ जाएगा अब आपका वीडियो जिस भाषा में है वो भाषा आपको सेलेक्ट कर लेनी है चाहे हिंदी भाषा में है तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए और अगर इंग्लिश भाषा में है तो इंग्लिश को सेलेक्ट कर लीजिए इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ अब यहाँ पे अपना ही कोई मैं वीडियो आपको ओपन करके दिखाऊंगा सो so, मैं यहाँ पे इस विंडो को इधर सेट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे माई बिग गाइड चैनल का नाम टाइप कर देता हूँ एंड यहाँ पे कोई भी एक वीडियो हम ले लेंगे मान लीजिए ये वीडियो हम यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये वीडियो हमने प्ले किया और साथ में हमने ये रिकॉर्डिंग भी ऑन की सो so, वीडियो में ऐड आ रहा है हम इसको स्किप करते हैं ये वीडियो प्ले हो गया और ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गई अभी देखिए आपको जो वीडियो का साउंड है मैंने स्पीकर से म्यूट कर रखा है लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो वीडियो में जो भी शब्द बोले जा रहे हैं वो खुद से यहाँ पे टाइप हो रहे हैं इसके अलावा अगर आप कोई गाना भी प्ले करते हैं तो भी वो यहाँ पे टाइप होगा वो इसमें इसलिए नहीं प्ले कर सकता क्योंकि हो सकता है कि कॉपी राइट यहां पे लग जाए तो इसके बाद मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और कोई वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ जैसे ये वाला ठीक है मैं इस वीडियो को भी प्ले करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऑन कर दूँगा अब वीडियो में जो भी बोला जा रहा होगा वो साथ के साथ यहाँ पर टाइप होना शुरू हो जाएगा तो अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ये तरीका हमें बहुत अच्छा लगा हमारा बहुत काम होगा इससे अगर आपको फिर से दोबारा उसी कंडीशन में जाना है यानी आपको जो आपका साउंड की जो सेटिंग थी वो दोबारा से ठीक करनी है तो सिंपल आपको जाना है कंट्रोल पैनल पर यहाँ पर आपको ऑडियो के ऑप्शन पर जाना है ऑडियो के ऑप्शन में आपको जाना है रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन पर यहाँ पर स्टीरियो मिक्स को आपको कर देना है डिसेबल एंड माइक्रोफोन को कर देना है एनेबल और इसे यहाँ से करना है ओके okay. तो अभी क्या होगा जैसे आपकी पुरानी कंडीशन थी उसी कंडीशन में आपका जो सिस्टम है वो आ जाएगा सो तो इस तरह से आप अपने जो वीडियोज़ है उसमें से टेक्स्ट को निकाल सकते हैं तो है ना कितना बढ़िया मज़ा आया होगा आपको ये सीखने में और अगर ऐसे ही मजे वाली चीज़ें आपको और भी सीखनी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे पीसी स्किल वेबसाइट पे जाइए वहाँ पर शुद्ध हिंदी भाषा में हमने ऐसे ही सारे कोर्सेज तैयार किए हैं जो आपके स्किल्स को और भी डेवलप करने वाले हैं इसके अलावा जिस तरह से आप यहां पे पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे आपको वहां पे ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे और इन कोर्सेज को करने के बाद में आपको आई सर्टिफिकेट भी मिलेगा कोर्सेज का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज में इंटरेस्टेड नहीं है आप चाहते कि भाई कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए जिससे हमें घर मंगा लें और बिना इंटरनेट के हम सारे कोर्सेज का आनंद ले पाएं तो वो भी उपलब्ध है आप हमारी ये पेन ड्राइव ऑर्डर कर सकते हैं ये पेन ड्राइव आपके टी लैपटॉप कंप्यूटर और मोबाइल फोन सभी पे काम करेगी बिना इंटरनेट के आप सारे कोर्सेज को देख पाएंगे और साथ में आपको मिलेगा हमारा ये प्यारा सा एक्सल मक जिसपे एक्सल के ढेर सारे यूजफुल शॉर्टकट कीज हैं साथ में मिलेगा आपको ये माउस पैड जो आपके पास हमेशा रहेगा आपके सामने ताकि आपको एक्सेल चलाने में कोई भी दिक्कत ना हो तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे सभी ऑफलाइन कोर्सेज को हमने स्क्रीन पे जो नंबर दिया है आप उस पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं